हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गली। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है ये सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक। ये मैंने घर पे ही बनाया है और बिना ओवन के और एग के बनाया है मैंने। ये बहुत इजी तरीके से बनाया मैंने। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार केक दिख रहा है, कितनी इजीली कट गया है ये बिल्कुल। ये विदाउट एग केक है। ये देखिए कितनी अच्छी जाली आ रही है मेरे केक में। ये चॉकलेट केक है, ये बीच में मैंने चॉकलेट स्प्रेड कर रखी है इसमें। ये देखिए जालीदार बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक है ये। तो चलिए हम भी ये बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये केक टिन। ये मैंने स्क्वायर शेप में लिया है और मैं इसके अंदर लगा लिया बटर पेपर। बटर पेपर और केक टिन को मैं अच्छे से अब ग्रीस कर देती हूँ घी से। आप किसी भी ऑयल से भी कर सकती हैं, बटर से भी कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। ये मैंने स्क्वायर शेप में लिया है इसलिए इसको चारों तरफ से अच्छे से कोने में भी अच्छे से ग्रीस करना। और ये मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। इसके लिए हमें कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई को मैं प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। ये स्टैंड आपको रख के दिखा रही हूँ मैं। इस टाइप का कोई भी स्टैंड या कटोरी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब इसको मैं प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ, स्टैंड में निकाल देती हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने ये ले लिया एक बाउल। बाउल में एक रख लिया मैंने छन्नी। ये मैं 2 कप मैदा लूँगी इसके लिए, केक के लिए। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मैंने 1 कप लिया था पहले ही, 1 कप और ले लिया मैंने। दोनों को छान लिया है मैंने। अब इसी में मैं डालती हूँ 1/4 कप ये कोका पाउडर और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ये कॉफ़ी पाउडर मिला लिया है। इससे हमारे केक का कलर भी अच्छा आएगा और उसमें अच्छा टेस्ट भी आएगा चॉकलेट का। आप भी फ्रेंड्स ये ट्राई करके देखिए। आप भी थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिए, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे केक का। तो अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसको एक बार और अच्छे से छानूंगी जिससे हमारे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये इस तरह से डिब्बी में आता है। और ये 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा, जो नॉर्मल पैकेट में आता है, जो हम खाने के चीज़ों में कई चीज़ों में यूज करते हैं, खस्ता वगैरह बनाने में। तो सारे बैटर को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ अच्छे से दोबारा से, ड्राई इंग्रेडिएंट को जो हमारे थे। अब ये मैं लिया है 1 कप ऑफ दही, ये फ्रेश दही लेंगे। और ये 1/2 कप ऑफ शुगर पाउडर और ये 1/3 1/3 भाग मैंने लिया है ऑयल का। ये ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है वो ले सकते हैं आप। बटर भी इसमें मेल्टेड बटर ले सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल लिया है। और ये सारे हमारे जो ड्राई हमने मिक्सचर जो बना रखा था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह से सारी मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे सारी चीज़ों को, तो आपका केक एकदम परफेक्टली बेक होगा। परफेक्ट केक बनेगा आपका, अच्छा जालीदार बनेगा। तो चलिए अब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं। इनको ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, इसको बस बैटर को इसी तरह से नॉर्मली मिक्स करना है हमें। और ये 1 साइड ही मिक्स करना है, क्लॉकवाइज उल्टा इसको नहीं घुमाना है। 1 साइड से इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हम दोनों साइड से घुमाते हैं तो ये हमने जितनी इसमें एयर इंक्रीज की है वापस उसको घुमा देंगे तो सारी वो फ्लफीपन उसका जो है वो सब ख़त्म हो जाता है उसका। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। ये मैंने ये 1/3 कप में ही लिया है दूध, इतना ही दूध लग जाएगा मुझे। ये दही पे डिपेंड करता है, दही अगर आपका गाढ़ा है तो
ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपका दही पतला है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यदि बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई है तो आपको और ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बैटर को मैं सारे बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये केक कभी भी बनाइए, इसके लिए किसी ओकेशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन करे तब आप केक बना के खा सकते हैं। इसीलिए मैं ये घर पर बना रही हूँ कि आप भी अपने घर पर बनाइए। अब इस केक टिन को एक दो बार इस तरह से टैप कर देंगे जिससे जो भी एयर के बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। अब मैं ये जो हमने पहले से प्री हीट कर रखा है अपना कढ़ाई को, इसमें हम केक के बैटर को रख देंगे अच्छे से, बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में रखेंगे और इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट के बाद आप इसको खोल के देख सकते हैं। मैं 40 मिनट के बाद इसको खोला तो ये हमारा केक कितने अच्छे से बेक हो गया है। ये मैं टूथपिक डाल के देखी, इसमें बैटर लगा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब बेक हो गया हमारा केक। हमने चाकू को भी डाल के देखा, ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रही है हमारी चाकू। तो अब इसको कपड़े की सहायता से अच्छे से निकाल के रख देंगे क्योंकि ये गर्म होगा अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे ये क्रैक्स आ गए हैं, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है ऊपर से। और अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड। मेरा केक ठंडा हो गया है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ टैप करके। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये इसका मैं बटर पेपर निकाल देती हूँ, इतने आसानी से ये रिमूव हो गया है। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल स्पंजी जालीदार केक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें स्पंज आ रहा है। ये देखिए जाली बन रही है कितनी अच्छी। तो हमारा चॉकलेट केक की ब्रेड तो ये तैयार हो गई है। इसको ऊपर ऊपर का ये जो रफ थोड़ा सा हिस्सा है इसको चाकू की सहायता से काट देंगे। यदि आपके पास केक कटर है तो उससे काट दें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जाली आई है हमारे केक में। अब इसको मैं बीच से दो भागों में डिवाइड कर देती हूँ। मैं इसके बीच में चॉकलेट लगाऊंगी। आप चाहें तो तीन भागों में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दो भागों में ही डिवाइड किया है। अब मैं पहले इसमें लगाती हूँ शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने थोड़े से पानी में ज़रा सी चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी लिया था। और ब्रश से या चम्मच से या हाथ से कैसे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केक की मॉइस्चरिंग हो गई है। अब हम लेते हैं चॉकलेट, ये मैं लिए यहाँ पर मिल्क चॉकलेट अमूल की। आप चाहें तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में इसके केक के सेंटर में ये मिल्क चॉकलेट लगाई है। तो अब इसको छोटे छोटे पार्ट में इसको काट लेते हैं, क्रश कर लेते हैं इसको। फिर ये एक बाउल में मैंने पानी लिया है नीचे, उसको गर्म होने रख दिया है जब तक मैं इसको चॉकलेट को काट लेती हूँ। ये मैंने अभी फ्रीजर में से निकाली है इसलिए ज़्यादा टाइट है ये, थोड़ी देर पहले आप निकाल के रख दें इसको, आधा घंटा पहले, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है बारीक सा। ये यहाँ पे पानी भी हमारा बॉयल होने लग गया है। अब इस बड़े बाउल के ऊपर में ही छोटा मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं अब ये चॉकलेट डाल देती हूँ। इसको मैं डायरेक्ट मेल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कपड़े से ही पकड़ लिया इसको। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये भाप से ही मेल्ट हो जाती है, जल्दी मेल्ट होती है। ये मैं स्लो कर लिया गया इसको। ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रही है हमारी चॉकलेट। अब आप चाहें तो ऐसे ही मेल्ट कर लें,
यदि आप चाहें तो और पतली करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा दूध डाल दें। तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध डाल दिया है। इससे देखिए जल्दी से मेल्ट हो गई है और कितनी अच्छी पतली मेल्ट हो गई हमारी। अब हमारी मेल्टेड जो चॉकलेट है उसको हम केक का जो पार्ट है उस पर स्प्रेड कर देंगे, जो हमने काटा था उस जिसके ऊपर शुगर सिरप लगाई थी उसको अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ से। दोस्तों ये मिल्क चॉकलेट जो होती है इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। इसका डार्क चॉकलेट से भी अच्छा टेस्ट आता है। इसको यदि आप लगा के एक बार ट्राई करके देखें। डार्क चॉकलेट में थोड़ा कड़वापन होता है लेकिन इसमें वो कड़वापन नहीं रहता, एकदम स्मूथ रहती है बिल्कुल। ये अब मैं इसके ऊपर जो केक का जो ऊपर वाला भाग था वो मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है, लेकिन अभी मैं इसको नीचे जो प्लेन वाला सरफेस है उसको ऊपर करने के लिए मैंने केक का जो बेस होता है उसके ऊपर रख के उलट दिया है। अब ये यहाँ पे मैंने लिए टर्न टेबल, ये टर्न टेबल के ऊपर मैंने उसको केक को रख दिया है। अब ये जो केक का नीचे बेस वाला हिस्सा है प्लेन वाला वो ऊपर आ गया है, क्योंकि हमने उसको केक को ऊपर से काटा था तो उसके हल्के हल्के जो पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं थोड़े से। ये प्लेन वाला हिस्सा ऊपर कर लें इसको। अब मैं इसमें ऊपर डालने के लिए डार्क चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। ये यहाँ पे मैंने लिए है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये इसको मैंने मेल्ट कर लिया है कंपाउंड चॉकलेट को। ये इसका कलर देखिए एकदम डार्क है, वो मिल्क चॉकलेट थी उसका कलर तो हल्का सा ब्राउन सा था, इसलिए मैंने उसको बीच में लगा दिया है। उसका टेस्ट भी इससे अच्छा रहता है। ये इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे में। आप स्पून से, चाकू से या फिर केक की जो चाकू आती है उससे भी कर सकते हैं। ये मैं स्पून से ही फैला दे रही हूँ सारी चॉकलेट को इसके ऊपर, और नीचे जाने देते हैं। अभी मैं सबको इसको सेपरेट कर दूँगी अच्छे से, ये कोने कोने पर अच्छे से लग जाएगी, फिर मैं इसको ऊपर अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये चारों तरफ से इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया। ये ऊपर का बेस एकदम देखिए बिल्कुल प्लेन आया है हमारी चॉकलेट का, एकदम स्मूथ दिख रही है चॉकलेट। देखिए फ्रेंड्स, ये नाइफ की सहायता से मैं इसको जो हमारी चॉकलेट नीचे बह रही थी उसको ऊपर कर देती हूँ अच्छे से। ये अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसको प्लेट को अच्छे से साफ कर लूँगी कपड़े से। अब ये इसको केक को डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें ये लिए है वाइट चॉकलेट, इसको मैंने ग्रेटर से घिस लिया है इसको चॉकलेट को, और ये चारों तरफ इसके डाल रही हूँ मैं स्पून की सहायता से। आप चाहें तो और कुछ भी डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट चॉकलेट ली है यहाँ पर, और इस तरह से मैं चारों तरफ इसके वाइट चॉकलेट डाल दिए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। और जैसे कि मैंने पहले साफ किया था इस तरह से, ये इसके वाइट चॉकलेट भी गिर गई है, इसको मैं साफ कर दूंगी अच्छे से। इसके ऊपर मैंने फिर ये डाल दिए चॉकलेट के ऊपर, ये चोको चिप्स डाल दिए। आप चाहें तो वाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, मैंने ब्लैक चोको चिप्स डाले हैं। और फाइनली ये मैंने आज ये बनाया था मदर्स डे के लिए, बच्चे कह रहे थे तो ये मैं कौन में ये भर ली है ये चॉकलेट, और इससे ही मैं लिख रही हूँ ये हैप्पी मदर्स डे। आप चाहें तो कौन में कुछ भी जैम या चॉकलेट को मेल्ट करके भर लें। परफेक्टली नहीं लिख पा रही हूँ लेकिन
लिख दिया मैंने कौन में कौन, ये पतली ज़्यादा है, कौन मोटा नहीं किया क्योंकि केक में स्पेस कम था, केक थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर बना है दोस्तों ये हमारा केक। देखिए कितना कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक। तो फ्रेंड्स आप भी ये केक बनाइए, चॉकलेट केक, और ट्राई करके ज़रूर देखिए, और इसके बाद बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस केक को मदर्स डे के ओकेजन पर बनाया है, इसलिए मैंने हैप्पी मदर्स डे लिखा है। आप किसी भी ओकेजन पे इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब केक को काट लेते हैं क्योंकि मदर्स डे है, तो मैंने ही ये केक काटा है बच्चों के कहने पे। ये देखिए केक के अंदर का टेक्सचर आपको दिखाते हैं, केक एकदम परफेक्ट जालीदार बना हुआ है हमारा। ये देखिए, तो आइए फ्रेंड्स केक को कट करते हैं। मेरी बेटी कह रही है नहीं आप ही काटोगे। मम्मी ने दो ही चीज अच्छी बनाई, एक मैं। तो फ्रेंड्स मदर्स डे है, बच्चे खुश तो मैं खुश, और आप भी बनाइए अपने बच्चों को खुश करिए।